बात लखनऊ की करते हैं। सीएम योगी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बीच बैठक हुई है। सीएम आवास पर सीएम योगी और स्वतंत्र देव सिंह के बीच में ये बैठक हुई है। जिला पंचायत चुनाव को लेकर बैठक में मंथन हुआ है। संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी इस बैठक में मौजूद रहे। बीजेपी उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप देने पर चर्चा संभव। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जिला पंचायत चुनाव को लेकर इस बैठक में मंथन हुआ है। सीएम योगी और स्वतंत्र देव सिंह के बीच ये बैठक हुई है। जिला पंचायत चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है। हालांकि बैठक में संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी मौजूद रहे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। लखनऊ से सीएम आवास पर बैठक हुई है, जिसमें सीएम योगी और स्वतंत्र देव सिंह के बीच जिला पंचायत चुनाव को लेकर मंथन हुआ है। हालांकि इसी बीच संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी इस बैठक में मौजूद रहे। ये बड़ी खबर। और अब आगे बढ़ते हैं, बात लखनऊ की करते हैं। मुख्यमंत्री योगी ने बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा की है। मंडलायुक्त, डीएम, एसएसपी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। इस दौरान बाढ़ नियंत्रण से संबंधित अधिकारी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। बाढ़ नियंत्रण के लिए टीम वर्क के साथ काम किया जाए। इस दौरान सीएम योगी की तरफ से निर्देश दिए गए हैं, 15 जून 2021 के बाद सभी जनपदों में बाढ़ का अलर्ट लागू किया जाए। सभी डीएम एसएसपी को संवेदनशील स्थलों के भ्रमण का निर्देश भी सीएम योगी की तरफ से दिया गया है। सभी जिलों में बाढ़ कंट्रोल रूम को कार्यशील कर दिया जाए, ये उनकी तरफ से कहा गया। इनमें प्रशिक्षित लोगों को लगातार निगरानी पर लगाया जाए। संवेदनशील स्थलों को चिन्हित कर राहत सामग्री अभी से तैयार करें, ये निर्देश सीएम की तरफ से दिया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी की फ्लड बटालियन को डिप्लॉय करने के भी निर्देश दिए हैं सीएम योगी ने। पशुओं के लिए भूसे, हरे चारे, चोकर की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। किसानों की बात की जाए तो किसानों के लिए बीज और खाद की कमी ना हो, ये निर्देश भी सीएम की तरफ से दिए गए हैं। खरीदे गए गेहूं का सुरक्षित भंडारण किया जाए, ये भी सीएम की तरफ से कहा गया है। तो बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा सीएम योगी ने की है। आगरा के एतमादपुर में चलेसर के पास हाईवे पर खड़े एक खराब कैंटर में आगरा फूड डिपो की बस जाकर टकरा गई। हादसे में बस में सवार 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 10 से 12 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए पुलिस ने एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया है। बस कानपुर से आगरा आ रही थी तो कैंटर से टकरा गई है बस। हाईवे पर यह हादसा हुआ है और इस दौरान बताया जा रहा है कि बस में सवार 4 यात्रियों की मौत हुई है। 10 से 12 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। जो यात्री घायल हुए हैं उन्हें इलाज के लिए पुलिस ने एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया है। संकल्प दुबे हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकल्प, कैंटर से बस की टक्कर हो गई है, क्या अपडेट है इस हादसे को लेकर? इस पूरे हादसे को लेकर के जो है पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची है। सूचना मिलने के बाद एतमादपुर इलाके में ये हुआ है, जहाँ पे कैंटर और बस की टक्कर हुई है। रोडवेज की बस है, कानपुर से आगरा की तरफ जा रही थी के पास एतमादपुर पहुंचने के बाद में वहाँ पे हादसा होता है और बस और कैंटर में टक्कर इतनी भयंकर होती है कि इसमें बस में सवार 4 लोगों की मौके पर मृत्यु हो गई, जबकि 10 से 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस की टीमें मौके पर है, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है और रेस्क्यू किया जा रहा है और हाईवे के हिसाब से शुरू किया जा रहा है। लेकिन एक बड़ा हादसा, उसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई। बिल्कुल बड़ा हादसा और कई लोगों के घायल होने की भी जानकारी आप भी बता रहे हैं। 12 से 13 यात्री ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, इसके साथ ही कई यात्रियों की मौत की भी खबर है। पुलिस क्या कह रही है हादसे को लेकर? फिलहाल जो हाईवे से चलेसर के पास में चूंकि ये हादसा हुआ है, क्योंकि इस पूरे मामले में ये बात सामने आई है कि एक खराब कैंटर जो है वो सड़क पे खड़ा हुआ था, रोड किनारे खड़ा हुआ था, जिसमें रोडवेज की बस जो है वो पीछे से जाके उसकी टक्कर हो जाती है। तो फिलहाल ये पता किया जा रहा है कि कैंटर मालिक कौन है या वहाँ पे क्या परिस्थितियां, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी प्राथमिकता पुलिस की है कि घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया जा रहा है। ठीक है, ठीक है संकल्प, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।